यूक्रेन के खिलाफ जब से पुतिन ने जंग का ऐलान किया है तब से वो सार्वजनिक जगहों पर बहुत ही कम नजर आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड के दौरान पुतिन दिखे थे। पुतिन के बीमार होने की अटकलों के बीच पश्चिमी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया है कि पुतिन मौत के खौफ से अज्ञातवास में चले गए हैं। क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन सबसे अलग हो गए हैं? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन बंकर में छिप गए हैं? क्या पुतिन के खाने पीने में जहर चेक करती है टीम? क्या पुतिन को मौत का खौफ सता रहा है? ब्रिटेन के अखबार द सन में छपी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन अपने भरोसेमंद से दूर अलग थलग एक बंकर में छिप गए हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनके करीबी ही उनकी हत्या कर देंगे। द सन अखबार ने दावा किया कि पुतिन को इस बात की आशंका है कि उनके करीबी उनकी हत्या कर सकते हैं। इसी आशंका की वजह से पुतिन ने खुद को एक अलग आइसोलेशन में रख लिया है। ब्रिटेन के अखबार द सन में लिखा गया है कि हजारों रूसी सैनिकों को यूक्रेन के युद्ध में झोंकने वाले रूसी राष्ट्रपति फ्रंट फुट पर रहने के बजाय अंडरग्राउंड हो चुके हैं, अपने भरोसेमंद साथियों और सलाहकारों से भी दूर हो गए हैं। पुतिन को इस बात का खौफ सता रहा है कि उनके करीबी ही उनकी हत्या कर देंगे। अखबार के दावे के मुताबिक पुतिन को इस बात का डर है कि यूक्रेन पर हमले के उनके फैसले की वजह से उनके कट्टर समर्थक भी उन पर अविश्वास करने लगे हैं। दसन अखबार का दावा है कि रोज पुतिन के खाने में जहर की जांच की जाती है। सिर्फ करीबी सिक्योरिटी गार्ड ही उनके करीब जा सकते हैं। जहरीले पदार्थों से बचने के लिए पुतिन ने स्पेशल दस्तानों का ऑर्डर दिया है। जहरीले केमिकल के खतरे से बचने के लिए कई बार उनके स्विमिंग पूल के पानी की जांच की जाती है। दसन अखबार के मुताबिक पुतिन में हिटलर जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पुतिन और हिटलर में कई समानताएं देखी जा चुकी हैं, जिससे युद्ध की असफल नीति और गिरते स्वास्थ्य की अटकलें शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से पुतिन अपने मंत्रियों और सलाहकारों तक से नहीं मिल रहे हैं। वो सिर्फ वीडियो कॉल पर ही मीटिंग करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन स्कूल ऑफ स्लोनिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टडीज के एक प्रोफेसर के मुताबिक पुतिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। पुतिन मिलिट्री मास्टरमाइंड की तुलना में मिलिट्री फैन बॉय ज्यादा है और हिटलर की तरह उन्हें भी युद्ध की वास्तविकता के बारे में पता नहीं है। पुतिन अब 70 साल के होने वाले हैं। उनके गिरते स्वास्थ्य की अफवाहें उड़ती रहती हैं। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सत्ता उनकी पकड़ से छूट रही है। अभी मॉस्को में विजय दिवस परेड में पुतिन मोटे कंबल लपेटे दिखे। इन्हीं तस्वीरों से उनकी बीमारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के साथ हमेशा डॉक्टरों की टीम होती है। लेखक और रूस के विशेषज्ञ गैलोटी के मुताबिक पुतिन अब फंस गए हैं और सत्ता के भूखे उनके साथ ही उन्हें ही निपटा देंगे। लेकिन इस बीच विशेषज्ञों को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है कि पुतिन परमाणु बटन पर उंगली रख कर चलने वाले शख्स हैं। मतलब ये कि पुतिन कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को 89 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक रूस कामयाब नहीं हो पाया है। कब्जा करने की बात तो दूर की बात है, उल्टे रूस को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी और अब इस युद्ध में एक बहुत बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन ने एक अखबार में जो दावा हुआ है उससे लगातार संभावनाएं किसी और ही इशारा कर रही है। अब इस जंग में आत्मरक्षा करने वाले यूक्रेन रूस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। कैसे, आइए देखिए इस रिपोर्ट में।
करीब 3 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी उसकी ताकत है। ना तो यूक्रेन के शहरों पर कब्जा हुआ, ना ही उसके सैनिकों का खात्मा। उल्टे पुतिन के सैनिकों का हाल बुरा है, कहीं उनको उल्टे पांव भागना पड़ रहा है तो कहीं उनके टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। मतलब क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग में हारने वाला है? क्या युद्ध में पुतिन के सैनिकों का हौसला पस्त हो रहा है? क्या युद्ध में रूस के हथियार फेल हो रहे हैं? क्या आत्मरक्षा करने वाला यूक्रेन अब रूस पर हमला करेगा? युद्ध में अब तक रूस के हमलों पर आत्मरक्षा कर रहा यूक्रेन अब उस पर हमले की तैयारी में है यूक्रेन। और आइए अब देखते हैं क्वाड में शामिल होने जापान पहुंचे पीएम मोदी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जापान को नेचुरल पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनने से पूरी दुनिया को चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। इससे पहले टोक्यो में पीएम मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में उद्योगपतियों से भी की मुलाकात। इस दौरान भारत जापान के बीच व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जापान के उद्योगपतियों ने उनकी जमकर तारीफ की। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के डायरेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने की लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने स्वागत के लिए पहुंचे लोगों से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। टोक्यो में प्रधानमंत्री ने स्वागत के लिए पहुंचे बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया। पीएम मोदी कल अमेरिकी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा।